जैसे इंडिया जीती है तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? ऑल द बेस्ट इंडिया एंड रॉकिंग इंडिया, आई लव इंडिया, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? आई थिंक विराट कोहली। क्यों? आई थिंक आई लव हिम। जो भारत ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया, बहुत जो है मेहनत से खेला और बहुत अच्छे रन जो है उन्होंने बहुत अच्छे रन से जो है मैच जीता है। कोहली के कैप्टनशिप में इंडिया ने एक मैच जीता था, फाइनल हारी थी। और यहाँ पाकिस्तान टीम दे वेर ओवर हाइप्ड कि उनका होम कंडीशन है, वो अच्छा खेलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। बस सिचुएशन इंडिया के कंट्रोल में थी और भुवनेश्वर ने जो ब्रेक थ्रू दिया उससे इंडिया को फायदा था एंड एवरी वन वॉज नोइंग दैट इंडिया गोना विन दिस मैच। इंडिया अच्छा खेली तो अच्छा जीती, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हांगकांग से पीछे बहुत मुश्किल से जीती है, वो तो वार्म अप गेम था ना उनके लिए, और ये अच्छा गेम हुआ और पाकिस्तान को हरा दिया, हमें बड़ी खुशी है। या इट वाज अ फैंटास्टिक मैच, आई मीन इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान तो मैच हमेशा सबसे इंटरेस्टिंग होता है, तो आई थिंक इट वाज अ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग मैच फॉर द एंटायर सीजन। सो जैसे 2017 में कोहली की कैप्टनशिप में इंडिया हार चुकी थी और इस बार रोहित की कैप्टनशिप में इंडिया जीत रही है, तो आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कि कोहली की कैप्टनशिप में हारा था और रोहित में जीत रहा है। एक्चुअली कोहली इज नो डाउट बेटर देन रोहित शर्मा एंड एज अ बेटर कैप्टन एज वेल, पर ये होता है कि पाकिस्तान टीम इज वेरी वीक राइट नाउ, सो इट्स ईजी फॉर अस टू विन अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड 2017 चैंपियन ऑफ फाइनल था, देयर वॉज अ ह्यूज प्रेशर, सो दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। सो आप इंडियन टीम्स को कुछ कहना चाहते हैं? या ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस ईयर वी विल अगेन गेट द एशिया कप। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि सभी के दिलों में इंडियंस प्लेयर को लेके एक अलग सा ही जज्बा है, तो बाकी की न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए IAAN TV और इंडियन टीम्स को हमारी पूरी IAAN TV की तरफ से ऑल द बेस्ट।